माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। बैठिए, मंत्री जी बोल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, समिति का गठन हुआ 3 विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, किसानों को MSP उपलब्ध कराने और पारदर्शी बनाने पर सुझाव देने के लिए। लेकिन इसके साथ 2 काम और उसके, एक समिति को कृषि लागत और मूल्य आयोग को अधिक स्वायत्तता देने की व्यवहारिकता और इसको अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय तथा उच्चतर मूल्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ करने के सुझाव देने का भी अधिदेश दिया गया। और इसके साथ साथ कृषि के विविधीकरण और प्राकृतिक खेती ये समिति विचार कर रही है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, लगभग 22 जुलाई से अब तक 6 बैठकें और 35 उपसमिति की बैठकें हो गई है। अभी समिति की रिपोर्ट नहीं आई, समिति अपना कार्य कर रही है और जैसे ही समिति अपनी रिपोर्ट देगी, सिफारिश करेगी, सरकार। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री रामजीलाल सुमन। महोदय, समिति विचार करेगी, बैठक होगी, ये जो अनिश्चितता का वातावरण है, आप पूछिए, ये अनिश्चितता का वातावरण कैसे दूर होगा? सभापति जी, ये जो किसानों को भगवान बता रहे हैं, मैं आरोप लगाना चाहूंगा कि इनको किसानों की समस्याओं से कोई देना देना नहीं। आप प्रश्न पूछिए रामजीलाल जी। सभापति जी, मेरा पूरक प्रश्न ये है कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये 1966-67 से शुरू हुआ और व्यवहार में बात यह, हम भी खेती करते हैं कि किसान को कभी भी MSP का लाभ नहीं मिला। सभापति महोदय, इसलिए किसानों ने मांग की कि MSP को कानूनी गारंटी दी जाए। मैं सभापति महोदय, आपके आज्ञा से मैं कृषि मंत्री से जानना चाहूंगा, सीधा जवाब दीजिए आप, बचिए मत, कि आप MSP को कानूनी गारंटी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, एक सेकंड, राम शिव से सवाल पूछ रहे हैं, बोलिए। भगवान राम ने कहा था, शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपनौ मोहि न पावा। सरकार का नी सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार निरंतर किसान के कल्याण के कामों में लगी हुई है और मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहता हूं कि MSP की दरें किसान को ठीक दाम देने के लिए लगातार बढ़ाई गई है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं, सरकार की 6 सूत्री रणनीति है। 1, उत्पादन बढ़ाना। 2, उत्पादन की लागत घटाना। 3, उत्पादन के ठीक दाम देना। आपको डिस्टर्ब करते हो, माननीय सभापति नहीं, रामजीलाल जी एक बार बैठिए। आप मंत्री भी रह चुके हैं, अनुभवी हैं, प्रश्न पूछिए, तो बीच में मत टोकिए, प्लीज, इट डजंट रिक्वायर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, हमें किसान विरोधी कहा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि हम उपाय कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब बड़ा किसान हितैषी कोई है नहीं, और इसलिए उत्पादन का ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा हो तो नुकसान की भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती। अब इसमें उचित दाम देने के लिए माननीय सभापति महोदय, समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठे। मैं आज बताना चाहता हूं, समिति जो MSP के जो दाम है, इसी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2013-14 तक बाजरा के 1250 थे, हमने घोषित किए 2625, जौ के 1100 थे, हमने किए 1850, मक्का के 1310 थे, हमने किए 2225, रागी के 1500 थे, हमने किए 4290, गेहूं के 1400 थे, हमने किए 2275, तुअर के 4300 थे,
हमने किए 7,550, ये 23 फसलों के दाम देख लीजिए। और माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, रणदीप, व्हाट इज दिस प्रैक्टिस? ऑनरेबल मिनिस्टर इज रिप्लाइंग, लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम कंप्लीट। अपने क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, सुनिए एक बार, सुनिए, इन्होंने पूछा तो क्या बोले? रणदीप जी, कम से कम इतना समय हो गया, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, जवाब को सुनिए, ये क्या कर रहे हैं? राम जी, राम जी बैठिए, माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, मंत्री, जब माननीय सुरजेवाला जी की सरकार हुआ करती थी, उससे दुगने एमएसपी के दाम किए हैं इस सरकार ने, दुगने। और एक निवेदन और करना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय, ना आप मंत्री जी, जो उत्पादन की लागत आती है उस पर 50% मुनाफा जोड़ के नरेंद्र मोदी जी की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और हम उस पर खरीद भी रहे। माननीय सभापति महोदय, मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, विनम्रता पूर्वक, कि समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम उचित फैसला करेंगे, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठे हैं। हम लगातार किसान के हित में फैसले लेते जा रहे हैं। और केवल इतना नहीं माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना जिसमें सीधे 60,000 करोड़ रुपया हर साल किसानों को देने का काम यही सरकार कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, गेहूं की खरीदी बढ़ी है, किसानों की संख्या बढ़ी है, धान की खरीदी बढ़ी है, किसानों का नंबर बढ़ा है। और माननीय सभापति महोदय, 1,68,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर पर सब्सिडी ये सरकार दे रही है। तो एक नहीं, ऐसे अनेकों कदम। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि ये सरकार किसानों की सरकार है, किसानों के हित में हम फैसला लगातार कर रहे हैं, और भी विचार आवश्यक है उस पर सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गंभीर है, और उचित कदम समिति की रिपोर्ट आने के बाद उस पर हम विचार करेंगे। सप्लीमेंट्री नंबर 3, एम सनमुगम। रणदीप सुरजेवाला जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। Nothing will go on record. I will name now. Are you asking supplementary three? This is absolutely unbecoming of a member. Please, back here, sit down. आपसे गुजारिश है, सुनिए, members to sit down. I will name both of you. Don't do it. Please. Hold your seats. Randeep Surjewala, Jairam Ramesh, Rajni Ashok Rao Patil, Rajiv Shukla. Please take your seat. Take your seat. एक सुनिए, मेरी बात बैठिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। रणदीप सुरजेवाला, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। I hereby अबाउट टू नेम यू। I will name you. You also, Giraji, please, all of you take your seat. Honorable members, what is this? Please, what is happening? Absolute silence.
एब्सोल्यूट साइलेंस, कमाल की बात है। इतना बड़ा संसद है, किसान की चर्चा हो रही है और चर्चा को दोनों तरह से बाधित कर रहे हैं। सुने आपका आचरण देखिए, ये किसान की सेवा कर रहे हैं क्या आप किसान की ये सेवा कर रहे हैं क्या? चर्चा कीजिए, विचार लाइए, बातें बताइए। आप भी चुप रही है, प्लीज। रजनी अशोक राव पाटिल, टेक योर सीट प्लीज। ऑनरेबल, प्लीज लिसन टू मी ऑनरेबल मेंबर्स। भारत किसान प्रधान देश है, सदन के अंदर किसान की चर्चा के समय इतनी गुजारिश करूंगा कि हर व्यक्ति, जयराम रमेश, यू हैव सम प्रॉब्लम, यू हैव अ प्रॉब्लम विच इज इनकॉरिजिबल। नहीं नहीं, आप किसान के बारे में क्या जानेंगे? नहीं नहीं, आपको किसान का कैसा नहीं पता है, नहीं पता कैसा नहीं पता आपको किसान का, नहीं पता, नहीं पता है। मेरा यह कहना है, सुनिए सुनिए, माननीय मंत्री जी ने, सुनिए, बैठिए बैठिए, रणदीप, किसान की सेवा करने का तरीका नहीं है। किसान की सेवा करने का तरीका है, सुनिए, ओहो मैं सोच रहा था कि आप कहां गायब होंगे। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, मैं किसान परिवार से आता हूं, मैं किसान के संकट को जानता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो कहा है और जिस विस्तार से कहा है उस पर आपको आपत्ति हो सकती है। यदि अगर आपको आपत्ति है तो इनकी बात का आप जवाब दीजिए, तरीका अपनाइए। मंत्री बोल रहे हैं और बीच में खड़े रह रहे हैं, देश को क्या संदेश दे रहे हैं? और रणदीप सुरजेवाला तो तुरंत खड़े हो जाते हैं, हाथ खड़े कर दे। पहले जवाब सुनिए, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि क्या आपने पढ़ा है जवाब को? तो रणदीप जी पढ़ते तो आप नहीं बोलते, आप बैठ बैठ ना। आई नॉट गिव परमिशन, आई नॉट गिव परमिशन, आई गिव परमिशन टू नन ऑन दिस साइड। द ऑनरेबल मिनिस्टर हैज वेरी एग्जॉस्टिवली विस्तार से अपने बताए कदम उठा रहे हैं। नहीं जी, मंत्री जी कह रहे हैं कि हर दिन हर पल वो कार्यरत है, किसी समिति का इंतजार नहीं कर रहे ना। माननीय मंत्री जी, सन्मुगम जी, थर्ड सप्लीमेंट्री, सन्मुगम जी प्लीज, ओनली व्हाट मिस्टर सन्मुगम सेज विल गो ऑन रिकॉर्ड, एंड इफ एनीवन राइजेस नाउ हैव इट फ्रॉम मी, आई विल नेम अ पर्सन आइदर दिस साइड और दैट साइड इफ दे डोंट फॉलो द प्रोटोकॉल। किसान के मामले में चर्चा कीजिए प्लीज, फॉर हेवन सेक, अन्नदाता की इज्जत कीजिए, चर्चा कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, व्यवधान मत कीजिए। आप प्लीज अपना सप्लीमेंट्री पूछिए, मैं जानता हूँ आप अनुभवी आदमी है, अच्छी सप्लीमेंट्री पूछेंगे और मंत्री जी जवाब देंगे प्लीज। Sir, tea and coffee. Sanmugam ji. Tea and coffee is a very essential for yes. everyone in the country. Yes. It is a very long pending demand that the tea and coffee should be included in the essential commodities. By, because there is no MSP for the tea and coffee, the planters are all demanding this one. What is the progress of this government regarding the inclusion of the tea and coffee in the MSP? Very good. Very good. Mantri ji, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और टी और कॉफी के किसानों के लिए बहुत सार्थक प्रश्न पूछा है। I appreciate the honorable member for focusing in a very constructive manner for welfare of the farmers and workers in both tea and coffee trade. Please, honorable Mantri ji. माननीय सभापति महोदय, मेरे पास मैं माननीय सदस्य की भावना का स्वागत करता हूं, लेकिन MSP अभी 23 फसलों पर दी जा रही है और चाय और कॉफी का विषय पीयूष गोयल जी का मंत्रालय देखेगा। मंत्री जी मैं एक बात और कहता हूं जी, मैंने, सुनिए एक सेकंड जी, जी मैंने जब मंत्रालय का विभाजन हो गया तो माननीय पीयूष गोयल जी को आधिकारिक रूप से बुलाया और मैंने पीयूष गोयल जी को कहा कि आपके नीचे 1.5 दर्जन जो उपक्रम हैं उनमें ज़्यादा कृषि से भी जुड़े हुए हैं और आपको ध्यान है टी बोर्ड का
कॉफी बोर्ड का, रबर बोर्ड का, अपेडा का किया, और मैं वेलकम करूंगा सदस्यों से, और इस विषय के ऊपर कोई प्रस्ताव आएगा आई विल हैव हाफ एन आवर डिस्कशन ऑन दिस। और ये बहुत अच्छा सुझाव माननीय मेंबर ने उठाया है। आई कॉन्ग्रेचुलेट द मेंबर फॉर रेजिंग अ जेन्युइन पॉइंट इन फेवर ऑफ फार्मर्स, फॉर ट्रेडर्स, फॉर वर्कर्स, क्योंकि मैंने देखा चाय में वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, वैल्यू एडिशन और लोग करते हैं बाहर में, तो लेट अस कोऑपरेट लाइक दिस। तो माननीय मंत्री जी, मैं उम्मीद करता हूं कि कृषि मंत्रालय एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स विल गेट टुगेदर एंड कम बैक टू दिस हाउस इन द नेक्स्ट सेशन व्हाट स्टेप दे हैव टेकन विद रिस्पेक्ट टू द सप्लीमेंट्री रेस्ट बाय द ऑनरेबल मेंबर। सुनो, नथिंग विल गो ऑन रिपोर्ट। मिस्टर प्रमोद तिवारी जी, आई विल बी फोर्स्ड टू इन्वोक माय पावर्स बिकॉज शक्ति सिंह गोहिल, यस प्लीज, आई नो यू आर फाइंडिंग एन एक्सक्यूज टू प्ले पॉलिटिक्स एंड नॉट टू सर्व द फार्मर। नो, यू आर नॉट सर्विंग द फार्मर, यू आर डूइंग इनजस्टिस टू फार्मर। मैं सदन में, सदन में बैठिए, प्लीज। व्हाट इज दिस? योर पीपल आर डिस्टर्बिंग। व्हाट इज हैपनिंग? वी आर हैविंग अ इंपॉर्टेंट डिस्कशन। रणदीप सुरजेवाला, सुनिए, आप आदत को बदलिए। आपसे ज्यादा किसान हूं मैं, आपसे ज्यादा समझता हूं। किसान पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। मंत्री जी आए हैं, मंत्री जी कहते हैं, सुनो मिस्टर, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू कीप ऑन शाउटिंग, नाउ यू शाउट फॉर 5 मिनट्स, आई सिट हियर। किसान की चर्चा है, आप नहीं करना चाहते, मत कीजिए। आप किसान का अनादर कर रहे हैं, अन्नदाता के छुरा खोप रहे हैं, मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट वांट दिस। नो, यू आर प्रोवोकिंग, हाउ कैन आई स्टॉप दिस? यू आर प्रोवोकिंग देम। प्लीज टेक योर सीट। ऑनरेबल मेंबर्स, आई एम कॉन्स्ट्रेंड टू नेम श्री रणदीप सुरजेवाला, श्री शक्ति सिंह गोहिल। सुनिए, जो फांसी पर टांगने के काम करते हैं, या किसान को फांसी पर टांग रहे हैं आप? चर्चा नहीं करने दे रहे आप, किसान की चर्चा नहीं करने दे रहे, क्या कर रहे हैं? नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। आप किसान का अनादर कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ आपको, मैं आंखों से देख रहा हूँ। मंत्री जी ईमानदारी से, पारदर्शिता से, लगन से अपनी बात करें। पहली बार एक मंत्री ने आकर किसान के हित की बात की है, दिल से किसान की बात की है, किसान की पीड़ा को समझा है ना। प्लीज बैठ जाइए, मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अन्नदाता की इज्जत कीजिए, किसान की इज्जत कीजिए। प्लीज बैठ जाइए। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। प्रमोद जी, ये क्या रट लगा? नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। प्रमोद जी, दुखी मन से मैं कह रहा हूं, कि रणदीप सुरजेवाला ये संकेत देना चाहते हैं, मैं हितैषी नहीं है, दुश्मनी निकाल रहे हैं, चर्चा नहीं होने दे रहे, दुश्मनी निकाल रहे हैं, किसान पीड़ा दे करो, किसान से दुश्मनी मत निकालिए। किसान से क्या बैर है आपका? किसान से क्या बैर है बताइए मुझे, तो चर्चा क्यों नहीं होने? आप तो 10 साल रहे हैं, आप तो शासन में 10 साल रहे हैं, 10 साल में महारत कर दी क्या कोई? छलांग लगा दी आपने, क्या बात कर रहे? बैठिए आप, गिरेबान में देखिए, गिरेबान में झांके, डोंट फोर्स मी, मुझे बहुत कुछ बोलना पड़ सकता है। किसान के मामले में नहीं करने दूंगा ये, किसान की चर्चा होगी। डॉक्टर सस्मित पात्रा,
ऑनरेबल मेंबर्स, एमएसपी कानून लेकर आई नेम रणदीप सुरजेवाला इज हियर बाय नेम, ही शुड इमीडिएटली विथड्रॉ फ्रॉम द हाउस. कर दिया, प्लीज विथड्रॉ फ्रॉम द हाउस, विथड्रॉ फ्रॉम द हाउस. You are directed to withdraw from the house. No, for causing disturbance, for coming in view of discussion of farmers. Please sit down, sit down. Yes, please sit down. Sit down, all of you. Sit down, what is happening? Randeep Surjewala is hereby named. He is requested to withdraw from the house. Please, nothing will go on record. Nothing will go on record. Randeep Surjewala is named and he needs to withdraw. Please, no. Randeep ji, you are defying the chair. You are continuously defying the chair. नहीं, आप defy chair को कर रहे हैं. किसान हित की चर्चा नहीं होने दे रहे हैं. किसान की debate को frustrate कर रहे हैं. नहीं, गलत बात है. यह पीड़ादायक बात है. और मैं कहूंगा ये ऐसा आचरण नहीं होने, कैसे दे दे. मैं कह चुका हूं, प्लीज रणदीप जी, प्लीज विड्रॉ. प्रमोद जी, नहीं दीजिए. एक सवाल सप्लीमेंट्री चाहिए. एक से बैठिए. अरे इनको बोलने दीजिए. नहीं, आपके नेता हैं यहाँ. अरे आपके नेता हैं, इनको बोलने दीजिए. नहीं, बाकी लोग बैठ जाइए. रणदीप जी, टेक योर सीट. रणदीप जी, टेक योर सीट. और सब बैठिए. सर, मैं सिर्फ एक अनुरोध करूंगा. आपने मुझे कहा ना, हाँ, तो मेरा एक अनुरोध है कि सुरजेवाला जी को एक सवाल एमएसपी के बारे में, क्या लीगल शेप देंगे नहीं देंगे, पूछने की इजाजत दे दीजिए. बैठिए. कुछ बीमारी है. पीछे देखिए प्रमोद जी. माननीय, आप तो बहुत सीनियर हैं. महादेव की कृपा से आप स्थान ग्रहण कीजिए. आपने कल महादेव जी का नाम लिया. महादेव जी की कृपा से किसान पर भी कृपा कीजिए. आपने अच्छा किया, आप खड़े हो